नमस्कार। आज के इस सिटी लाइफ और सेवार सिटी की प्रोग्राम श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं अनु सोगानी सेवार सिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सभी का इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सेवार सिटी एक ऐसी संस्था है जो आज के इस युग में अपने शहरों को बचाने के लिए कटिबद्ध है। जब हम शहर कहते हैं तो शहर क्या है, सिटी क्या है? क्या वो केवल कंक्रीट का जंगल, पार्क, इमारतें, सड़कें और गाड़ियों का जमावड़ा है? मेरे सोच में शहर है उसमें बसने वाले इंसानों से। कोई भी शहर तब तक जीवित रह सकता है जब तक उसमें रहने वाले इंसान जीवित हैं, सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, और यही हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का मूल मंत्र है। आज के इस माहौल में खुद को स्वस्थ रखने का मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें। इस स्वस्थता का लेन देन है हमारी मानसिक स्थिति से भी, कि हम इस कोविड काल में अपने शहर को मानसिक स्थिति से किस तरह से सेहतमंद रख सकते हैं। परिवार का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तभी तक बरकरार रह सकता है जब तक कि परिवार की नारी स्वस्थ रहे, जो कि एक बहुत बड़ा उसका दायित्व बनता है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन एक्सपर्ट्स का पैनल है। मैं आप सभी का उनसे इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। सर्वप्रथम हमारे साथ हैं भोपाल से डॉक्टर जूही अग्रवाल। आप एमडी गायनेकोलॉजी हैं और भोपाल मेडिकल गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जूही। नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। मेरे को ये मौका मिला कि मैं जयपुर की जनता को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उनको मैं कर रही हूँ। हमारी आज की दूसरी मेहमान है जयपुर से ही, अमिता उपाध्याय जी। आप मोनिलेक हॉस्पिटल जयपुर में साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी विमेंस एसोसिएशन की को कन्वीनर हैं। बहुत बहुत स्वागत अमिता। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमारी आज की तीसरी मेहमान है प्रैनिक हीलर ट्रेनी श्रीमती कविता खंडेलवाल जी। आप वर्ष 2011 से राजस्थान प्रैनिक हीलिंग फाउंडेशन की ट्रस्टी और ट्रेनर हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पे और हमारे समाज की ओर से आप सभी को इस कोरोना काल में, 2020 के इस महामारी काल में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आप लोगों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस समय में जब लोग अपनी जिंदगी के एक एक पल को इतने कीमती बना के रखे हुए थे, उसमें आप लोगों ने फ्रंट लाइन पे आके समाज के लिए इतना कुछ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी डॉक्टर जूही आपसे। मेरा सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर आपसे है कि इस दौरान हॉस्पिटल्स की एक्टिव ड्यूटी में रहते हुए आपने इस कोरोना पेंडेमिक को बहुत करीब से, बहुत नजदीक से देखा है। पर्टिकुलरली हम ये जानना चाहेंगे कि इस दौरान महिलाओं से रिलेटेड या महिला रोगी जो केसेस हॉस्पिटल में आ रहे थे, उनमें आपने एक बड़ा परिवर्तन क्या देखा, क्या महसूस किया और उसका मुख्य कारण आप क्या मानती हैं डॉक्टर जी? अनु, मैं खुद महिला चिकित्सक हूं और महिला अस्पताल से संबंध भी रखती हूं, और चूंकि मैं मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड हूं और ये सारे कोविड सेंटर्स हैं, तो मैंने बहुत करीबी से देखा। ये आपने सही कहा, इसके अंदर जो हम एज ग्रुप डिवाइड करते हैं महिलाओं की, जैसे एडोलेसेंट छोटी लड़कियां हैं या यंग पेशेंट्स जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, और एक जो पेरीमेनोपॉजल या मीनोपॉज के आसपास वाली महिला, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और सभी बड़ी अलग तरीके से उन्होंने इस कोविड काल में अपने आप को प्रेजेंट किया है। मतलब उनकी जो बीमारियाँ हैं बिल्कुल ही विभिन्न अलग थी। हम बहुत सारी रिसर्च भी कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये किस तरीके से अलग थी। तो अगर मैं कहूँ जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप, तो हमने देखा कि चूंकि हम लो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और वेरी लोअर क्लास को केटर करते हैं और रेफरल भी मिलता है हमें रूरल एरिया से, तो मैंने ये देखा कि अनवेड मदर्स
या बहुत हमें इस बार मिली, जो कि एक बड़ी दुख की बात है कि इस कोविड ईरा में शायद क्योंकि ओवर द काउंटर एमटीपी पिल ड्रग्स मिल जाती हैं आजकल लोगों को, या एमटीपी की सेवाएं बहुत आराम से हर अस्पताल में उपलब्ध है, ये कोविड काल में एक डर या एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी नहीं होने की वजह से बहुत लेट प्रेगनेंसी मिली मुझे इस यंग एज ग्रुप में। एक दूसरी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं मैंने देखी, वो लैक ऑफ एंटीनेटल चेकअप, मतलब वो आती ही नहीं थी एंटीनेटल चेकअप, क्योंकि ये काल बड़ा लंबा चला, लॉकडाउन पीरियड या पोस्ट लॉकडाउन पीरियड भी एक दहशत जो लोगों के मन में थी, उस वजह से लोगों ने हॉस्पिटल को अप्रोच ही नहीं किया, वो जाती ही नहीं थी महिला। इस कारण एनीमिया, जो हाइपरटेंशन कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, शुगर की जो प्रॉब्लम महिलाओं में होती है, ये सब बड़ी नेग्लेक्टेड रही है महिला। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड केस हमें बहुत मिले, जैसे बच्चे का अचानक गर्भ में ख़त्म हो जाना, जिसको आईयूडी कहते हैं, या माँ कॉम्प्लिकेट हो जाना। सिजेरियन की जो मरीज़ है वो बहुत अत्यधिक दर्द के बाद आती है, जब बहुत ज़्यादा दर्द उसके एडवांस हो जाते हैं, जब उसकी बच्चेदारी को क्षति हो जाती तब आने लगी। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमने फेस किए इस एज ग्रुप में। उसके अलावा पेरीमेनोपॉजल में जैसे बहुत सारी महिलाएं जो दूर दराज रहती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है मेंसेस के टाइम पे, जो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में बड़ा कॉमन है, वो छोटी सी गोली लेने से जो कि ठीक हो जाती है, वो उनको नसीब नहीं है, ना वो हेल्थ फैसिलिटी गई, उस वजह से वो कंटिन्यूसली ब्लीड करती रही, और सीवियर एनीमिया के साथ या शॉक में भी हमें इस दौरान मिली। तो ये एक मतलब पूरी बैटरी ऑफ जो मैं बताऊँ हर एज ग्रुप में मुझे मिली, और समस्याएं काफी मिली इसके अंदर। तो ये जो कुछ भी हमको डॉक्टर जूही ने बताया, ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य हैं कि किस तरह से आज इस ऑलमोस्ट 4-5 महीने के इस काल में स्त्रियों ने एक्चुअली अपनी, केवल स्त्री ने खुद ने नहीं, बल्कि शायद कहीं ना कहीं इसमें परिवार का भी कोई ना कोई रोल रहा है कि उनकी स्वास्थ्य पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो कि हर समय में हर काल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। डॉक्टर अमिता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड के इस समय में, इस दौरान में, लेडीज से संबंधित किस तरह के मानसिक चेंजेस के केसेस आपने ज़्यादा देखे या हैंडल किए हैं, और इनमें किस तरह के केसेस में ज़्यादा वृद्धि हुई है? और जैसा डॉक्टर जूही ने अभी हमको बताया, इस तीनों एज ग्रुप्स में इंडिविजुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हुए पेशेंट्स उनके पास आए हैं, तो उस केस में क्या आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं मानसिक सेहत जो रही किसी भी स्त्री की, किसी भी औरत की, वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रही कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकी, दवाइयां नहीं ले सकी या अपना ध्यान नहीं रख सकी, जो भी कारण हो, वो आप उनकी मानसिक सेहत को इसके लिए कहाँ तक जिम्मेदार समझती हैं, और न्यू नॉर्मल जो हम एक वर्ड बोल रहे हैं उसके, उसमें आप महिलाओं को क्या सुझाव देंगी? उसमें मैम, अभी जो मैंने चीजें देखी हैं सब में, वर्किंग लेडीज का अलग चल रहा है, हाउसवाइफ का अलग प्रॉब्लम्स हो रही है। जो वर्किंग लेडीज हैं उनमें प्रेशर डबल हो गया है, क्योंकि एक तो मेड्स नहीं आ रही हैं, डिमांडिंग बहुत हो गई है घर की, कि पूरा घर का काम करके जाओ, खाने की चीजें सब सेट करो, फिर वर्किंग प्लेस पे प्रेशर रहता है, अभी वर्किंग से भी आपको हटा रहे हैं, रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं, काफी चीजें हो रही हैं, तो जो वर्किंग लेडीज हैं उन पे डबल प्रेशर हो रहा है। अब घर के सोर्सेज कम होते जा रहे हैं, हस्बैंड और बच्चे लोग बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, एक तो ये प्रॉब्लम वर्किंग लेडीज पे तो डबल प्रेशर हो रहा है। सेकेंड अगर हम कहेंगे हाउसवाइफ, तो मोस्टली जो अभी मैं देख रही हूँ, पहले हाउसवाइफ मेरे बहुत रेयर आते थे, अभी मेरे पास जो है इनमें क्लिनिक में इतनी हाउसवाइफ आ रही हैं जो इतने टाइम से प्रेशर में रह रही थी, घर से वो निकल नहीं पा रही थी, उनके ब्रोकन मैरिजेस मैंने देखी है 17 years 20 years, उसमें वो ब्रोकन मैरिजेस की प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड उनपे इतना प्रेशर दे रहे हैं हर चीज का कि हम बाहर नहीं जाना, और घर में रह रहे कि सब लोग इतनी लड़ाई झगड़े घर में प्रेशर फील कर रही हैं, इन लॉज का प्रेशर आ रहा है। तो एक जो लेडी की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अभी कोरोना में जो है हाउस वाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ रही है, वर्किंग प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो अभी सेशंस लेते लेते भी वो इतनी परेशान है, क्योंकि एक सेशंस लेना चाहती हैं
पर इलाज घर वाले नहीं करा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं बाहर, और वो वर्कलोड में इतनी दबती जा रही हैं, इतनी दबती जा रही हैं कि वो कहती है मैम आप तो मुझे मेडिसिन दे दो कि जिससे मुझे एक बार में तुरंत फर्क आ जाए, कि हम इतना टाइम कर ही नहीं सकते। ना वो पियर जा सकती है, ना कहीं अपने रिश्तेदारों से बात भी नहीं कर सकती। पहले तो ये होता था कि चलो हस्बैंड बाहर गया और हमने अपने पियर बात कर ली, कुछ ना कुछ कर लिया, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। एक जो पेशेंट मेरे आ रही थी, कंटिन्यू कोरोना के टाइम से आ रही थी 3 मंथ से रेगुलर, अभी कुछ लास्ट वीक ही वो गई है पियर अपने, इतनी खुश हो रही थी, बट फिर भी डर था कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो जाए, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इतनी मुश्किल से निकली है। अब जो मैंने देखा है, जो मेन बेसिक अपन कहेंगे ना, तो जो हाउस वाइफ है, जो न्यूली मैरिड है या 4-5 years हुए हैं, उनको तो इतने प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लॉन्ग टाइम हो चुका है उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइक बहुत चीजें प्रॉब्लमेटिक हो चुकी हैं सबके लिए, कि अब प्रेशर उन पे, मानसिक स्थिति सबकी, लेडीज की जो है वो बहुत बिगड़ रही है कोरोना में। जेंट्स तो चलो दोस्तों के चले जाएंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, लेडीज कहाँ जाएंगी? उनके लिए तो सब रिस्ट्रिक्ट है कि आपको सुबह भी काम करना है, दिन में भी, शाम को भी, पूरे टाइम आप 24 hours जो है लेडीज का आपका स्टक हो गया है। अब इसमें मैं यही कहूंगी कि आप कुछ ना कुछ लेडीज को अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। घर के काम 24 घंटे कर लो आप, कम पड़ता है, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, खुद को अपना टाइम देना बहुत जरूरी है। सुबह आप उठो, आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठो, 1 घंटा आप योगा एक्सरसाइज कुछ करो, अपने लिए प्रॉपर खाना बनाओ, अपने लिए टाइम दो, कि मैं चाहे ऐसी सो रही हूँ टीवी देख रही हूँ टीवी देखो, ये भी एक अपने लिए, खुद के लिए, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है लेडीज को। ये खुद से प्यार नहीं करती है लेडीज, अपनी फैमिली, बच्चे, अरे भाई फैमिली बच्चे सब वहीं रहेंगे, बट सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रोज मिरर के सामने देख के कहो कि आई लव माई सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को प्यार करना जरूरी है, फिर ही तो हम दूसरों को करेंगे। अब दूसरे बच्चे पति सास ससुर ये कहीं नहीं जाने वाले, बट जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। खुद के लिए एक्सरसाइज करो, योगा करो, म्यूजिक सुनो, फ्रेंड से बातें करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। अब लेडीज क्या कहती है, जो अभी आती है मेरे पास, ऐसी आ गई, मैंने यार ऐसे क्यों आई हो मैम, कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना। अरे यार बनकर कुछ तो लगा लिया करो यार, बाल वाल सही कर लो, कुछ तो कर लो, मैम कौन देख रहा है। अरे यार तुम खुद अपने आप को मिरर में नहीं देखती हो क्या, खुद के लिए ठीक हो, पैम्पर योर सेल्फ। लेडीज को तो कौन देख रहा है, अरे यार इस उम्र में ये तो ना कि बॉयफ्रेंड देखने आएगा, खुद भी तो देखते हो ना यार। खुद को, अपने आप को करना कुछ ना कुछ अपने लिए करना जरूरी है। जिसको रीडिंग का शौक है रीडिंग करो, है ना, टीवी देखना है, अपने लिए नेल पेंट ही लगाओ, कुछ तो खुद सेल्फ टाइम तो खुद के लिए कुछ होना ही चाहिए। एक्सरसाइज करना है, म्यूजिक सुनना है, कुकिंग अभी तो बेस्ट है यूट्यूब देख के। आप बिलीव नहीं करोगे, ये कोरोना में जो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो मैं खुद का ही एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मेरे को इतना डर लगता है कि मैं आऊंगी शायद ऐसा ना हो मैं कोरोना हार्बर करके लाऊं, अपनी फैमिली को दे दूं, सबसे बड़ा जो डर लगता है। तो इसी सबसे मैंने पीछा छुड़ाने के लिए आई ज्वाइन वर्चुअल क्लासेस, मैं आई एम लर्निंग वो कीबोर्ड, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कीबोर्ड सीखूंगी, बट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग। तो डेफिनेटली यू शुड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। यस राइट, बिल्कुल सही कहा। ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए अपने लिए। ऑनलाइन क्लासेस का यूज करना है, अभी कितने मैंने भी लॉकडाउन में 10 classes ली ऑनलाइन। कुछ ना कुछ करना चाहिए खुद के लिए, कुछ ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कितनी भी एज हो जाए सीखो, जस्ट लर्न, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमें खुद को गुड फील होगा कि हमने आज कुछ प्रोडक्टिविटी करी है, कुछ किया है, एक चीज अपने मन की करो, बहुत अच्छा लगेगा, तो खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। सही कहा जी आपने, और ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति, आपने यहाँ पर महिला पर्टिकुलर के लिए कहा है, मैं कहूंगी कि हर व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि लव योरसेल्फ। जब तक आप अपने खुद को प्यार नहीं करोगे, तब तक आप दुनिया से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दुनिया आपके लिए कुछ करे। राइट राइट मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि हमको एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन बताए कि ये प्राणिक हीलिंग क्या होती है, क्योंकि ये बीइंग इस फील्ड में शायद अमिता जी और जूही जी ने ये सुन रखा होगा, पर एज अ लेमैन मैं इसके बारे में बहुत कम जानती हूँ, नहीं सुना है मैंने। तो एक तो आप थोड़ा सा इस टेक्निक के बारे में हमें बताएं, प्लस
आज की इन परिस्थितियों में इस प्राणिक हीलिंग टेक्निक से एक महिला होने के नाते हम किस तरह से अपने आप को और अपने परिवार को सेहतमंद रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं? जी, प्राणिक हीलिंग एक बहुत ही सिंपल हीलिंग मोडालिटी है जिसमें हम प्राणा को यूज करते हैं, और ये प्राणा हमारे सराउंडिंग से, सन से, एयर से, अर्थ से मिलता रहता है। नोइंगली अननोइंगली हम उसे लेते जाते हैं हमारी बॉडी में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी उससे हेल्दी होती जाती है। अब ये काम कैसे करती है, हमारी जो विजिबल फिजिकल बॉडी जो दिख रही है हमें, उसके चारों तरफ एक एनर्जी बॉडी होती है जिसको हम ऑरा के नाम से जानते हैं, आभा मंडल के नाम से जानते हैं। उस आभा मंडल में कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम चक्रास बोलते हैं, जिसमें से हमारे विजिबल फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती है जिनसे ऑक्सीजन सप्लाई होती है ना, उनका फंक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो विजिबल फिजिकल बॉडी में कुछ डिजीज हो जाती है हमको। इसी तरह से हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसमें जो चक्रास है, एनर्जी सेंटर्स है, वो बाहर से फ्रेश प्राणा एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी को सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी और हमारी विजिबल फिजिकल बॉडी दोनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एक को अगर कुछ होता है तो दूसरी को भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है। कोई भी डिजीज सबसे पहले हमारे आउटर लेयर पे आती है, यानी हमारी एनर्जी बॉडी में आती है। अगर हम बात करें कोरोना की ना, कोरोना वायरस भी अगर हमको आता है तो पहले हमारी एनर्जी बॉडी में वो एंटर करता है, उसके बाद वो विजिबल फिजिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ मोटर बाइक से, कोई पर्सन गिरा, रात को गिरता है और हमसे पूछते हैं कहाँ लगी, तो मोस्टली क्या बोलते हैं लोग हमको, कोहनी छिल गई, घुटने पे लग गई, इतना ही। फिर आप पूछेंगे कहीं पेन है, बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है। सुबह दूसरे दिन उनकी हालत कैसी होती है, पूरी बॉडी पेन कर रही होती है, ठीक है। वो क्यों हो गया, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो डिजीज एनर्जी थी, पेनफुल एनर्जी थी, वो हमारे ऑरा में आई और ऑरा के थ्रू हमने उसको टाइम दे दिया 12 घंटे का, वो हमारी फिजिकल बॉडी में एंटर कर गई। उसके बाद हमको रियलाइज होता है कि ये पेन हो रहा है हमको, तो इसको हम वहीं पे प्रिवेंट कर सकते हैं उसी टाइम पे, इन चक्रास को क्लीन करके, एनर्जाइज करके, क्योंकि इन चक्रास का फंक्शन भी हमारे ऑर्गन्स की तरह ही है। ये भी हमारी कुछ नाड़ीज के थ्रू, इनविजिबल नाड़ीज के थ्रू हमारी फिजिकल बॉडी के ऑर्गन से, बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। अगर हम चक्रास को क्लीन कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं, तो जो भी कोई रुकावटें हो रही है हमारी नाड़ीज में, एनर्जी नाड़ीज में, वो क्लीन हो जाती है और प्राणा का जो संचार है वो प्रॉपर हो जाता है। और जब ये सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है तो उसके बाद फिजिकल बॉडी अपने आप खुद को हील करना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर है। हमारी बॉडी किसी दवाई का इंतजार नहीं करती है। अगर हमको कोई कट बर्न हो जाता है तो हमारी बॉडी खुद को हील करना शुरू कर देती है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बच्चों में बहुत तेजी से हीलिंग होती है, बड़े लोगों में, बुजुर्ग लोगों में स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो इसको घटा और बढ़ा सकती है। हमारा ऑरा, जिसको हम एनर्जी बॉडी को बोलते हैं ऑरा, ये जितना स्ट्रांगली काम करेगा हमारी सेल्फ हीलिंग पावर उतनी ही तेजी से काम करेगी। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है और 16 साल से ऊपर कोई भी इसको सीख सकता है। इसकी सबसे अच्छी चीज ये क्या है कि मैं जयपुर में हूं आज यहाँ पे ना, और यहीं से अगर भोपाल में डॉक्टर जूही मुझे बोलती है कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे कफ कोल्ड हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, ठीक है, हम उनको यहीं से ट्रीट कर सकते हैं, यहीं से उनकी हीलिंग की जा सकती है। इतनी सिंपल टेक्निक है कि जिसको केवल पढ़ना लिखना आता हो वो पर्सन इसको सीख सकता है और खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए इसको यूज कर सकता है। मदर्स, जब हम बात कर रहे हैं मदर्स की ना, कि बहुत स्ट्रेस में रहती है कि बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो बच्चे ठीक है या नहीं है, तो हम कहीं भी अगर बच्चे को चोट भी लग जाती है तो वहीं जहां आप हैं वहीं से आप उस बच्चे की हेल्प कर सकती है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें खुद को कुछ हो जाएगा, तो हम जाने से पहले अपनी एक छोटी सी प्राणिक हीलिंग करके जा सकते हैं, आने के बाद वापस कर लेते हैं। जैसे हम नहाते हैं, विजिबल फिजिकल बॉडी को क्लीन करने के लिए हम नहा लेते हैं आके ना, इसी तरह से एनर्जी बॉडी को अगर हम रेगुलरली क्लीन करते रहते हैं तो ये क्लींजिंग करने से ही हमारी विजिबल फिजिकल बॉडी फिट रहती है। तो बहुत सिंपल टेक्निक है और इसको यूज करके हम अपने परिवार की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल हमारे शरीर को ठीक नहीं रखती है, हमारी मनोस्थिति को भी बहुत ठीक करती है। क्योंकि हमारी जो डिजीज अगर हम बात करते हैं तो 80-85% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है, हमारे इमोशन से कंट्रोल होती है ना। और जो भी हम सोचते हैं, जो भी भावनाएं हमारे अंदर होती है, उनमें एनर्जी होती है। आप किसी को याद करते हैं तो आपको एकदम से लगता है कि छींक आने लगी मुझे ना, हम बोलते हैं कि कोई याद कर रहा है, तो हमारा एक कनेक्शन, एक चक्र है हमारा सेंटर ऑफ द रिब केस के सेंटर में, सोलर प्लेक्सस इसका नाम, और ये कनेक्टेड उस पर्सन से कनेक्ट हो जाता है जिसको आप याद कर रहे हैं। या तो कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सन आपको कॉल कर लेता है तो आप बोलते हो अरे मैं तो अभी सोच रही थी आपसे बात करने का, है ना। तो ये कनेक्शन इनविजिबल कनेक्शन है, जिस तरह से वाईफाई काम करती है ना, इस तरह से एनर्जीज काम करती है। और इनको अगर हम मेंटेन करते हैं
तो हमारे घर में जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे अंदर जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स है उनको भी हम काफी हद तक डील कर सकते हैं बहुत इजीली। ये तो कविता जी वाकई आपने जो टेक्निक बताई है ये सुनने में तो बहुत ही अच्छी और बहुत नहीं ये काम है। काम में लेने में भी बहुत ही अच्छी है, और अभी राजस्थान में इसको अगर हम देखें तो बहुत, केवल राजस्थान में नहीं वर्ल्ड वाइड इसको ग्लोबल टेक्निक है ये, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे गूगल पे इसको सर्च करके तो हर देश में इसको यूज किया जा रहा है अभी हर जगह पे, जादू की छड़ी। ये तो मतलब बिल्कुल आज के ये एक साइंस है जिसे हम मैजिक तब तक बोल सकते हैं जब तक कि उसका मैकेनिज्म हमको समझ में नहीं आता है। जैसे ही आपको वो ट्रिक समझ में आ जाएगी तो आपको लगेगा कि ये मैजिक नहीं, ये साइंस है, एंशियंट साइंस है जिसे हम यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल। पर इट इज बेटर कि हम ऐसी मैजिकल पावर्स जो हमारे आसपास हैं या हमारे अपने अंदर हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं हम उनका यूज करें खुद के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और सबके लिए। डेफिनेटली ये तो बहुत ही अनुजी हम डेली में इसको यूज करते हैं एक्चुअली में, जाने अनजाने में। जब कभी भी आप किसी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और लेते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हम हाथ को ऐसा क्यों रखते हैं। हमने कभी नहीं सोचा ना कि हम क्यों इस तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं और दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं और आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो थॉट फॉर्म है वो वहां उस पर्सन के ऑरा में जारी होती है। तो जब किसी के लिए भी हम कुछ निगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, स्पाउस के लिए, तो एक्चुअली में हम उनको सही नहीं कर रहे होते, हम उनके लिए कुछ ना कुछ गलत क्रिएट कर रहे होते हैं जाने अनजाने में। सही। कविता, मैं कल एक मूवी देख रही थी तो उसके अंदर यही एक थॉट जैसा आपने बताया उसमें यही था कि वो एक फादर अपने बेटे को समझा रहा होता है कि शायद गॉड है ही नहीं, इट इज बिलीफ इन ईच अदर व्हिच मेक्स अस फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो एक्चुअली मतलब देयर इज समथिंग, और वो देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग कवर किया है इस माध्यम से तो आई थिंक इट्स रियल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस चर्चा में आगे मेरा क्वेश्चन डॉक्टर जूही आपसे है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे है कि हमारे परिवार की बुजुर्ग महिलाओं की जो फिजिकल हेल्थ है उससे रिलेटेड हमने आमतौर पर देखा है कि दुनिया भर में और पर्टिकुलरली अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर 60 प्लस आयु वर्ग वाली जो लेडीज होती हैं उनमें बहुत सारी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और उसके एडिशन में इस आयु वर्ग की महिलाएं अपने आप पर ध्यान देना कम कर देती हैं कि अब क्या है जिंदगी का खत्म हो गई हमारी जिंदगी हमने जी ली, ऑल काइंड्स ऑफ दीज थिंग्स। तो इस कोविड पीरियड में आपने इन में किस तरह का बढ़ाव देखा, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी फिजिकल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा आई या कि क्या प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो उन्होंने नेग्लेक्ट कर दी जिसके कारण उनकी फिजिकल कंडीशंस ज्यादा बिगड़ गई, और अब नॉर्मल में आप पर्टिकुलरली हमारी इन एजेड लेडीज लेडीज ग्रुप के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए जैसा आपने कहा अनु कि ये बिल्कुल सही है, उनको ये लगने लगता है अब तो हमारी उम्र हो गई, अब क्या नाती पोते हो गए, अब हमें क्या करना। ये बात सही है कि अब मतलब 60 प्लस महिलाओं को नाउ दे शुड स्टार्ट लिविंग अगेन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुकी हैं, उनके पास और कोई उस तरीके का फिजिकल उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, तो डेफिनेटली उनको लेना चाहिए, अब इंजॉय करना चाहिए, दे शुड लिव फॉर देयर ओन लाइफ नाउ। तो दैट इज दैट शुड हैपन, एक्चुअली वो होना चाहिए पर वो होता नहीं है। और इस कोविड काल में एक उनके साथ बड़ी जो ऐसा सोच के जी रही थी कि नहीं मुझे अपने लिए समय निकालना है या मेरा एक सर्कल हो या मैं रोज घूमने जाऊं, तो वो कर नहीं पा रही थी। जैसा कि अमिता जी ने बताया कि हाउसवाइफ्स कर रही थी, मेरे को लगता है हाउसवाइफ्स तो अपनी जगह फिर भी शायद काम में व्यस्त है या डेफिनेटली वो भी सफर कर रही है, उनके पास आए होंगे, पर जैसा आपने कहा कि 60 प्लस महिलाएं शायद उनके पास नहीं अप्रोच करती दो आई थी पर फिर भी रिलेटिवली उनका रेशियो कम है। तो 60 प्लस महिलाएं जो ज्यादातर नहीं निकलती हैं और जिन्होंने अपने सर्कल बनाए थे, तो ये लॉकडाउन और कोविड में एक तो हमें पता है कि वो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, अगर वो बाहर जाएंगी तो उनको वैसे भी कहा गया है कि उनको नहीं, दे में सकम कोरोना, जल्दी उनको कोरोना हो सकता है और फिर कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस भी उनमें ज्यादा हो सकते हैं।
तो वैसे ही डरी हुई थी, सहम गई, उन्होंने अपने आप को घर में कन्फाइड कर लिया। अब बच्चे जो अगर वर्किंग वुमेन है या घर में लड़के हैं तो वो अपने कामकाज पे चले गए, हस्बैंड अपने किसी काम में बिजी हैं, तो एक तरीके से उनको एक लोनलीनेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। जैसा कविता मैडम ने बताया कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, वैसे ही ओल्ड एज इटसेल्फ में एक एक प्रॉब्लम है अगर उसको डील नहीं किया जाए प्रॉपरली। और फिजिकल प्रॉब्लम्स तो होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस मीनोपॉज में, मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, पैल्पिटेशंस हैं, और बाकी और तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन है, एग्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, वो सब तो होता ही है। उसके ऑन टॉप ऑफ इट अब वो कहीं जा भी नहीं पा रही है। जो वो अपनी सखी सहेली से मिल लेती थी, मंदिर चली जाती थी, भजन कर लेती थी, बहुत सारे शोज होते हैं उसमें चली जाती थी, तो वो भी अब उनकी बंद हो गई है। बट अनु, ऐसा है कि इसमें मेरे ख्याल से परिवार वालों का बहुत रोल है, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हम उनको जोड़ें टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि अब बहुत सारे ऑनलाइन जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है या और भी ऐसे ग्रुप्स हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए जो ऑनलाइन होते हैं, तो अगर वो नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, वो नहीं डेस्कटॉप पर बैठ पा रहे हैं, नहीं वो मोबाइल से कर पा रहे हैं, तो आपके बच्चे छोटे छोटे दादा दादी के पास जाके उनको हेल्प करेंगे, वो तुरंत अपना काम करने लगेंगे। सो दैट इज अ गुड मेथड। आप उनको गार्डनिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको गार्डनिंग के लिए एनकरेज कर सकते हैं, है ना, बच्चों को उनके साथ उनकी कहानियां, जैसे अगर कोई धार्मिक उसमें विश्वास रखता है तो धार्मिक कहानियां के साथ, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम, आस्क योर किड्स दैट दे मे स्पेंड टाइम विद देम। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, लॉकडाउन एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम उनसे और जुड़े, जो हम शायद कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में उनसे अलग हो गए थे, इस एज ग्रुप के लोगों से उन्होंने अपने रास्ते ढूंढना शुरू कर दिए थे। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जब हमें कहीं नहीं जाना, जैसे आज अगर संडे है तो हम ये मान के चलते हैं वीकेंड पे हमें कहीं जाना है, बाहर घूमने जाना है, ये एक सेट प्रोटोकॉल हर परिवार का हो गया था कि वीकेंड पे हमें कहीं जाना है। तो आज हम वीकेंड पे घर पे हैं, तो हमारा ये है कि हम उनके साथ जुड़ें, उनके साथ बैठें, उनको ज्यादा वक्त दें, तो शायद जो उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको टैकल कर पाए। बिल्कुल सही बात है कि अल्टीमेटली बात वही है कि हमको पारिवारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए, उसके तरीके ढूंढने चाहिए। वो हर परिवार की अपनी लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही बात है कि अल्टीमेटली बात वही है कि हमको पारिवारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए, उसके तरीके ढूंढने चाहिए। वो हर परिवार की अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। क्योंकि अनु 60 प्लस में मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, या तो कविता मैडम का साइंस कर सकता है या अमिता मैडम का साइंस कर सकता है। एग्जैक्टली। अमिता जी, ये तो बात हुई जो डॉक्टर जूही ने हमें बताई हमारे बुजुर्ग आयु वर्ग वाले लोगों के लिए। थोड़ी सी बात हम हमारी यंग जनरेशन की भी कर लेते हैं, उन्होंने भी इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत कुछ झेला है, उन बच्चों ने, उन यंग कपल्स ने और सबने। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपने इस जनरेशन को की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा है, स्टडी किया है और ट्रीट किया है, जिसमें हम मेजरली बोलते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल एक्सेप्टेंस, बहुत सारी, आप ज्यादा बेटर जानती हैं वो सारी चीजें। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में इस पीढ़ी में किस तरह के और कितने चेंजेस, मतलब इसमें पॉजिटिव चेंजेस हुए या नेगेटिव चेंजेस हुए, और कितनी अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं तो कितना चेंज हुआ। साथ ही साथ डेफिनेटली इसमें परिवार के बड़े होने के नाते और समाज में रहते हुए परिवार और समाज की क्या योगदान, क्या भूमिका हो सकती है कि हम हमारी इस जनरेशन के लिए कुछ अच्छा और बेहतर करने का सोच सके, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निकालने के बारे में कुछ काम कर सके। अभी मैम यंगस्टर्स का तो ये प्रॉब्लम आई है कि सबसे पहला तो एक ये ब्रेकअप्स हुए, जो साथ में रहते थे सब लोग वो उनको अपने अपने घर जाना पड़ा, तो ब्रेकअप्स हुए, कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे दोनों, लड़का लड़की
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हॉस्टल में साथ रहते थे या पीजीज में रहते थे, तो वो टाइम नहीं दे पा रहे, तो मोस्टली ब्रेकअप हुआ। उसके बाद अब कई लोगों का जैसे ड्रग एडिक्ट थे, एल्कोहलिक्स थे, तो वो नहीं हुआ। सोशल एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व थे बच्चे, वो नहीं हो पा रहा है। तो शुरू में जो मेरे पास आ रहे थे क्लाइंट्स, तो उसमें 2 मंथ्स में तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे, अग्रेसिव थे बहुत ज्यादा, कि हमें तो नहीं रहना है घर में, ये क्यों हुआ है। और कई लड़कियां तो ऐसी थी कि हमें जाना ही नहीं है घर पे, लॉकडाउन में भी हमें पीजी में ही रहना है। बट फिर धीरे धीरे वो घर में अपने सेट होती गई, इन्वॉल्व एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती गई। तो उससे ये हम कहेंगे कि यंगस्टर्स में तो बहुत फर्क आया है कि उन्होंने अपनी फैमिली ओरिएंटेड हुई है, अपनी मदर का, अपने फादर का थोड़ा ध्यान। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, बट यंगस्टर्स को बाद में वो सेट होने लग गई, अपने पेरेंट्स की बात सुनने लगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% फर्क आया है, बट एटलीस्ट 60-70% यंगस्टर्स में बहुत फर्क आया है, गर्ल्स में भी और बॉयज में भी, दोनों में। ये बहुत अच्छा साइन है कि जनरेशन अपनी फैमिली से जुड़ी है, पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन है। और जो उनको अल्कोहल का एडिक्शन था, लाइक गर्ल्स तो बस डेली यही था कि बस 2-4 पैक लगा लो, बार में चल जाओ, पब्स में चल जाओ, सब चीजें बिल्कुल बंद हो गई। तो हाँ, 1-2 महीना प्रॉब्लम होती है, ये तो है ही चीज है, जो भी हम कुछ ड्रग्स छोड़ेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक तो होता है। हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि ये इरिटेशन होगा, ये सब चीजें होंगी, बट अपन जो एंड में रिजल्ट देखेंगे, दैट्स गुड, वो पॉजिटिव है, अल्टीमेटली फैमिली ओरिएंटेड लड़कियां होना, आजकल ये कहां होता था, होती ही नहीं, लड़कियां फैमिली में रहना ही नहीं है, पेरेंट्स तो पसंद ही नहीं है, बस बैंक है, पेरेंट्स तो पैसा दे दो। ठीक बात है, बिल्कुल आपका ये कहना। अब ऑनलाइन लड़कियों ने शुरू किया है, कोर्सेज लेना है और खुद के लिए, कि करियर ओरिएंटेड हो रही हैं लड़कियां जो मेरे पास आ रही हैं। कई लड़कियां ऐसी आई हैं, मैंने फ्री सुसाइडल हेल्पलाइन भी चलाई थी, उसमें अभी जो लास्ट आई थी, लास्ट वीक जो लड़की आई थी मेरे पास, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वो कहां से आई है, इवन उसने अपना नाम भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, फिर भी मैंने उसको 2 घंटे मेरे पास रही और अभी भी रेगुलर में टच में हूँ, उसने कुछ नहीं बताया, फिर भी मेरे को पता चला कि वो पास में हॉस्टल में जो है निम्स से आई थी वो लड़की। तो उसने पूरी मुझे डिटेल बताई, इससे क्या हुआ, लॉकडाउन से जो उनके अंदर चीजें थी वो सब चीजें बाहर आ रही हैं, कि इस इंसान ने, पर्टिकुलर इस इंसान ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, मेरा मिसयूज किया है। तो कई चीजें जो यंगस्टर्स में आई है, कि उनको पता चल रहा है कि हाँ, हमारे साथ क्या बुरा हुआ है, कैसे, क्योंकि हमें लॉकडाउन में टाइम मिल पा रहा है, सोचने का टाइम, क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, इतनी एक्टिविटीज नहीं है, तो हमें खुद के लिए टाइम मिल रहा है कि हमें खुद के लिए क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है। तो ये लॉकडाउन की बहुत पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, यही नहीं कह सकते कि बिल्कुल नेगेटिव। हाँ, फाइनेंशियल वाइज अपन कहेंगे कि डाउन गए हैं, काफी चीजें हुई हैं, बट मॉरल वाइज हम ऊपर उठे। हाँ, मॉरल वाइज जो हमारी एक पीढ़ी को ऊपर आना चाहिए था, जो एकदम डाउन चली गई थी सब चीजों में, कि ये बिल्कुल फॉरेन कंट्री जैसा हो गया था हमारा इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है ये। और डॉक्टर अमिता, मैं कहूंगी कि ये जो फास्ट रनिंग लाइफ है, इसमें थोड़ा ब्रेक लगा, वो ब्रेक आया, राइट मैम, राइट, अच्छा है, ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था, और ब्रेक आया है इस पूरे कोविड काल में। ये है कि केवल आप कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं, आप फैमिली पॉजिटिव भी हुए हैं, वेरी गुड, तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन आपने बताया कि आपने देखा और महसूस किया है। कविता जी, अब क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी समय की बाध्यता है, तो मैं जल्दी से अब कविता जी से अपना एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी, कि जो आपने ये हीलिंग टेक्निक बताई है, इसको हम जो जनरली अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में, हम लोग जो भी योग, आयुर्वेद या एलोपैथी का ट्रीटमेंट जो भी फॉलो करते हैं अपनी किसी भी समस्या के लिए, उसके साथ में कंबाइन करके यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत या कुछ तो नहीं होती है? जी, ये बहुत ही सेफ टेक्निक है, और इसमें क्योंकि नेचुरल टेक्निक है, हमारी बॉडी के अंदर है ऑलरेडी, है ना, हम उसको प्राणी हीलिंग के थ्रू इनहेंस कर रहे हैं, बस इतना सा काम हम कर रहे हैं। तो अब कोई भी दवाई, हमने कई बार ऐसा देखा डॉक्टर जूही, हम समझ सकते हैं इस बात को, कि कई बार आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, और कोई पेशेंट ऐसा होता है, 2 पेशेंट है आपके पास, एक पेशेंट बहुत तेजी से रिसीव, मतलब हेल्दी होता जा रहा है, और दूसरा पर्सन उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है उस ट्रीटमेंट को ना,
तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पर्सन अभी भी उस मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं हो रहा है, उस पर्सन के ऑरा में कुछ होल्स एंड क्रैक्स हैं। तो जो भी मेडिसिन हम उनको दे रहे हैं, अगर हम डॉक्टर अमिता की बात करें कि वो भी कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन पर्सन बहुत रिसेप्टिव नहीं है, वो नहीं सुन पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उनका जो ऑरा है उसमें कुछ होल्स एंड क्रैक्स है और उससे वो एनर्जी कंटिन्यूअसली लीक होती जा रही है। ठीक है, तो जो भी हम उसको खिला रहे हैं, दे रहे हैं विजिबल फिजिकल बॉडी के थ्रू, तो वो विजिबल फिजिकल बॉडी पे भी उसका असर नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉडी लीक कर रही है उस एनर्जी को। और उसके साथ अगर हम प्राणिक हीलिंग यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि उनका ऑरा सील हो जाता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है उनकी वो सॉलिड हो जाती है, अच्छी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, और उनकी एनर्जी की जो क्वालिटी है वो इनहेंस हो जाती है, सेल्फ हीलिंग पावर उनकी इंक्रीज हो जाती है, और वो दवाइयां जो पहले वो ले रहे थे आफ्टर यूजिंग प्राणिक हीलिंग वो और तेजी से काम करती है। तो प्राणिक हीलिंग हर मॉडलिटी के साथ साथ चल सकती है, और इसमें एक सबसे अच्छी चीज है हमारे पास, हम इतनी सब अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि अगर स्ट्रेस हो रहा है फैमिली में तो हम क्या कर सकते हैं। हम लोग अभी ऑनलाइन मेडिटेशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ग्रुप मेडिटेशंस हो रहे हैं, और वो मेडिटेशन एक नॉर्मल मेडिटेशन नहीं है, बहुत ही साइंटिफिकली डेवलप किया हुआ, ऑर्गेनाइज किया हुआ मेडिटेशन है। उस मेडिटेशन में हम अपने अंदर की एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी अगर हमारे अंदर कहीं भी अनफॉर्गिवनेस है, हमारे अंदर कहीं भी हेट्रेड है, हमारे अंदर कहीं भी एंगर है ना, या कहीं भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी डार्कनेस है यानी अज्ञानता है, तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद लव, फेथ, फॉरगिवनेस, लाइट ना। और उसको करते करते हमारे अंदर अपने आप क्या होता है, हमारे अंदर दो तरह का माइंड है, इनविजिबल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो ये मेडिटेशन जब हम रेगुलरली करते हैं, जब हम बोलते हैं, जैसे डॉक्टर अमिता ने बताया कि आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हैं आई लव माई सेल्फ, तो आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो पैराडाइम है उसके अंदर हम उन एनर्जीज को फिल कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड हमारी 90% एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एक ड्रिंक करने वाला पर्सन रात को अपने घर अपने आप पहुंच जाता है, दूसरे दिन पहुंचता है, बोलता है मैं कैसे पहुंच गया अपने आप ही, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो चुकी थी। तो ये रिकॉर्डिंग हम मेडिटेशन के थ्रू, अफर्मेशन के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं। तो प्राणिक हीलिंग कैन बी हेल्प, और अभी कोविड पेशेंट्स को भी हम बहुत हेल्प कर रहे हैं। हमारी टीम है जो फ्री हीलिंग्स कर रही है कोविड पेशेंट्स के लिए भी, और ट्विन हार्ट मेडिटेशन हम करवा रहे हैं जिससे लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। अविता, ये एक प्लेटफॉर्म है, आप प्लीज कुछ वेबसाइट्स की इसमें बता दीजिए तो हम भी अपने पेशेंट्स को बता दिया करें। बिल्कुल, मैं आपको पर्सनल मैसेज कर देती हूँ एक बार ना। नहीं, इवन आप इस प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को बता सकते हैं जिससे वो लोग आपकी वेबसाइट से। हाँ, वेबसाइट है गोल्डन ओरा, PH गोल्डन ओरा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और उसके अलावा हमारा जूम सेशन होता रहता है मेडिटेशन के लिए, और क्लासेस तो हम यही ऑफलाइन ही करते हैं, बाकी जूम सेशन पे हम मेडिटेशन करते हैं और दूसरे कोर्सेज करते हैं। तो उनसे और ट्रीटमेंट ले सकते हैं लोग हमसे कांटेक्ट करें, तो उनको हम हीलिंग्स देते हैं, फिजिकल डिजीज से लेके साइकोलॉजिकल, जो भी किसी को जो फाइनेंशियल इशू भी होते हैं तो उसके लिए भी हीलिंग की जा सकती है, क्योंकि फाइनेंशियली भी जो भी प्रॉब्लम्स हमको आती है वो हमारे चक्रास से कनेक्टेड होती है, कि हम लोगों से बोलने में घबराते हैं या हम किसी चीज को कर नहीं पाते, या हमारे अंदर लेजीनेस होता है, प्रोकास्टिनेशन होता है, ये सारी चीजें हमारे चक्रास से कंट्रोल हो रही है। तो हम प्राणिक हीलिंग को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इस सेशन में हमको बहुत अच्छी और बहुत सारी महिला फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स हमारे तीनों एक्सपर्ट से हमने सुने, उनके कारण, उनके निवारण सब कुछ भी हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देखने वाले, सुनने वाले श्रोताओं को भी इससे आगे लाभ होगा ही होगा। डेफिनेटली इस समय पर हम केवल एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि ये समय, ये काल जल्दी से जल्दी खत्म हो, और हम इन सब चीजों का, चाहे वो एलोपैथी हो, कोई हीलिंग टेक्निक है, या हमारी साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिक हेल्थ है, उनको सबको मिलाकर हम अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रख सकें। प्रोग्राम का अंत मैं बस एक ही बात से करना चाहूंगी, नारी तू परिवार की धुरी है, तेरी स्वास्थ्य, तेरा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि हर लेडी समझे कि जब तक वो स्वस्थ रहेगी तभी तक उसका परिवार स्वस्थ रह सके, दोनों तरीके से, मानसिक और शारीरिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप तीनों ही अतिथियों का एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच अनु। थैंक यू।
a platform to sharing your thoughts.